बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। क्या बात। सुप्रभात परमादरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, मेरे प्रिय भाइयों एवं इस ऐतिहासिक विद्यालय प्रांगण में उपस्थित समस्त विद्वर्जन, मैं सुधांशु रघुवंशी, कक्षा 11वीं कला वर्ग का छात्र, आज आपके सम्मुख राष्ट्रीय एकता दिवस के पूर्व प्रभात पर अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, जैसा कि हमें ज्ञात है, भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। आजादी के पीछे छिपा था एक भीषण और दुखद विभाजन की घटना का दुख। इस बात भारतीय परिस्थिति क्या थी कि भारत जो है अखंड था और उस अखंड भारत के 550 रियासतों में टुकड़े हो गए थे, किंतु तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी सूझबूझ से पुनः इस टुकड़े टुकड़े भारत को एकत्रित किया, अखंड भारत के रूप में परिवर्तित किया। इसी क्रम में हमने अपने भारतीय उप प्रधानमंत्री के जन्म जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की ठानी और तत्कालीन सरकार ने उनके जन्म जयंती को 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस में मनाने की घोषणा की है। मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो योगदान हमारी आजादी में रहा है और स्वातंत्र्योत्तर भारत में रहा है, हम उसे कभी विस्मृत नहीं कर सकते हैं। हम उनसे सीख सकते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम कैसे दृढ़ बने रह सकते हैं, कैसे कठोरता से किंतु कोमलता से अपने राष्ट्र को बचाए रख सकते हैं। मित्रों, एकता क्या है? एकता एक भाव है जो हमारे और आपके हृदय में पुष्पित और पल्लवित होती है। हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हम सब एक हैं, किंतु विडंबना क्या है कि हम सब एक जैसे होना चाहते हैं, एक नहीं होना चाहते हैं। हमारे ग्रंथों में भी सभी जीवों के अंदर समान ब्रह्म, समान परमात्मा की परिकल्पना से यही बताने की चेष्टा की गई है। हमारे मनुष्य कहा करते थे, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम्। अर्थात यह मेरा है, वह तुम्हारा है, ऐसी गणना करने वालों का हृदय शूद्र होता है। विशाल और उदार हृदय वालों के लिए तो समूची पृथ्वी ही परिवार के समान है। मित्रों, आज के सियासतदान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों मिलकर भाई भाई के नारे लगा लगा के पूरा माहौल बेकार किए हुए हैं। ऐसे में राही मासूर रजा अपने उपन्यास गोपी शुक्ला में लिखते हैं कि मैं कभी हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं करता, मैं यह बेवकूफी करूं भी तो क्यों? क्या आप अपने भैया से या अपने छोटे भाई से यह बोलते हैं कि तुम मेरे भाई हो? अगर आप नहीं बोलते तो क्या मैं बोलता हूं? यदि हिंदू मुस्लिम वास्तव में भाई भाई हैं तो कहने की कोई जरूरत नहीं है, और यदि नहीं है तो कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज लोग दुहाई देते हैं कि कला धर्म कला समुदाय हमारे भारत में अल्पसंख्यक है, किंतु मैं बता दूं, न हिंदू अल्पसंख्यक है, न मुसलमान अल्पसंख्यक है, न पारसी अल्पसंख्यक है, न ईसाई अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक समुदाय है तो वह भारतीय है। यहाँ कितने लोग हैं जो कि भारतीय खुद को मानते हैं? यदि आप शिक्षित हैं तो आप भारतीय मानते हैं, किंतु धर्म के नाम पर यदि युद्ध हो जाए तो आप स्वयं हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाएंगे। ये बड़ी विडंबना की बात है। मित्रों, ऐसे में अवतार सिंह संधु पाठ की कविता याद आती है कि भारत मेरे सम्मान का सबसे बड़ा शब्द, भारत मेरे सम्मान का सबसे बड़ा शब्द, जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। ऐसी भावना हमारे मन में होनी चाहिए। मित्रों, मैं अपने विचार को आप तक संप्रेषित करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेना चाहूंगा। आप सभी कक्षा 7 या 8 में एक रासायनिक प्रक्रिया से अवगत हुए होंगे। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो वे पानी का निर्माण करते हैं, और आप सबको ज्ञात है कि हाइड्रोजन खुद जलता है और ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है, किंतु जब दोनों मिल जाए तो पानी का निर्माण करके भीषण से भीषण आग को बुझा सकते हैं। संभवतः मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। अब निर्णय आपके हाथों में है कि आपको हाइड्रोजन के रूप में और ऑक्सीजन के रूप में अलग होकर नफरत को फैलाना है, दुनिया में आग लगानी है, या प्रेम और शांति के पानी से बड़ी आग को बुझाना है। मैं अंत में अपने विचार को रोकते हुए, अपने व्याख्यान का समापन करते हुए बस यही कहना चाहूंगा कि 7 संदूकों में भरकर 10 कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर 10 कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत बहुत।